मान लीजिए किसी ऑटो रिक्शा वाले की डेथ हो जाती है, एक से एक करोड़ रुपया तक की गाड़ी हो वो भी गाड़ी 29-30 में ट्रांसफर हो जाती है, ऑटो रिक्शा को ही क्यों? तो कोई कहता 50,000 दो, कोई कहता है आप गाड़ी मुझे दे जाओ। 29-30 नंबर फार्म को, रूल को दोबारा से बहाल नहीं किया गया, इसके परिणाम दिल्ली गवर्नमेंट को भुगतने पड़ेंगे। कि या तो गाड़ी ओनर को दे जाए या फिर फाइनेंसर को दे जाए, कट्टर बेईमान गवर्नमेंट है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों आजकल देखा यह गया है कि ऑटो ड्राइवर भाइयों को गाड़ी ट्रांसफर करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज हमने ड्राइवर भाइयों से और पद अधिकारियों से बातचीत की है, तो आप भी सुनिए। अच्छा, देखा यह गया है जैसे ड्राइवर भाइयों ने अपनी पूरी किस्तें दे दी हैं, लेकिन उनकी गाड़ियाँ ट्रांसफ़र करने का जब समय आता है तो जो परमिट होल्डर होता है उनसे 50,000, 1,00,000 या इससे भी ज़्यादा या कम ज़्यादा पैसों की डिमांड करता है, जबकि वो पूरी किस्तें दे चुका है। ये बहुत भारी समस्या आगे खड़ी हो गई हमारे सामने। वही बात कि 29-30 नंबर फार्म वाला और OTP वाला, कि आज के टाइम में अगर हम TO कराने जाते हैं तो कहते हैं ये पुराने ओनर को लेके आओ, उसके साइन होंगे, उसके फोटो होंगे। आज हम पुराने ओनर के पास जाते हैं तो वो अपनी कीमत बताता है कि मुझे आप गाड़ी की जो कीमत बनती है शायद 3,00,000 है या 3,00,000 है, तो वो कहता है 50,000 से काट गए और मुझे दे जाओ गाड़ी वापस। जिसने एक एक पेट की पेट काट काट के एक एक पैसा जमा कर करके उन्होंने किस्तें जमा करी, बच्चों की चीज़ें बेच बेच के कर्जा लेकर उन्होंने पहले फाइनेंसर को दिया, आज वो गाड़ी फ्री कर दी है, आज वो इस स्थिति में पहुँचा है कि बच्चों को आराम से दाल रोटी खिला सकता है, आज फिर वही उसके सामने। तो हम दिल्ली सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि पुराने OTP को, ऑनलाइन OTP को कैंसिल किया जाए, 29-30 नंबर फार्म पर TO किया जाए गाड़ियों को, और जो ओनर हैं पुराने उनकी मान्यता को समाप्त किया जाए। तो हमारे साथ में यहाँ पे बहुत मात्रा में जो ऑटो ड्राइवर मौजूद हैं, तो मैं सभी भाइयों से एक बार पूछना चाहूँगा, क्या ये OTP वाला जो सिस्टम है ये जारी रहना चाहिए या फिर इसे हटा देना चाहिए? साथ में एक और यूनियन के जो है प्रवक्ता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर जी, आपका क्या नाम है, आप अपना इंट्रोडक्शन? सोबरन सिंह राजपूत है, भारतीय तिपहिया चालक संघ का महासचिव हूँ दिल्ली प्रदेश का, और मैं इन सभी चालकों को देख के बहुत खुश हुआ कि कम से कम अपनी बात रखने के लिए इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए। सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों का कसूर क्या है, इन्होंने गाड़ियाँ खरीदी, सारी किस्तें दे दी, आज उन्हें सारी गाड़ियाँ, एक ऑटो रिक्शा भी इतने सारे इंस्ट्रक्शन लगा दिए जैसे ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ओला उबर टैक्सी सब कुछ चल रहा, एक पे एक गाड़ी जिस बेचारे ने पेट काट के अपनी बनाई है उस पे भी इंस्ट्रक्शन है कि आप उस परमिट होल्डर को लाओ। जब परमिट होल्डर के पास जाते हैं ये लोग तो अनाप शनाप वो पैसे मांगते हैं, वो कहते हैं कि हमें गाड़ी, अभी ड्राइवर जो कह रहे थे वो सच कह रहे हैं कि हमें गाड़ी दे जाओ या 50,000 रुपया दे जाओ, 1,00,000 दे जाओ, हम गाड़ी आपकी ट्रांसफ़र नहीं कराएंगे, जाके गाड़ी लॉक लगवा देते, तरह तरह के उनके ऊपर बेचारों के अत्याचार हो रहे, फाइनेंसर अपन को लूट रहे, कह रहे नहीं है परमिट होल्डर मिल रहा है, मेरा है परमिट होल्डर, आप गाड़ी खड़ी कर जाओ, मैं गाड़ी अपने आप देख लूँगा, आप यहाँ 1,00,000 रुपया दे जाओ। अभी रिसेंटली में एक नया कानून और इन पर थोप दिया है, इनको पता नहीं है कि बेचारे पहले जब लाइसेंस रिन्यूअल होता तब क्लास को ख़त्म कर दिया गया, अब गाड़ी पास कराने जाते हैं इनको 2 घंटा की क्लास लगाई जाती है, अक्सर गाड़ियां वहां चोरी हो जाती हैं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई पार्किंग नहीं, सड़क इतनी ख़राब है कि वहां 2-2 घंटे में लोग पहुंच नहीं पाते, बड़ी समस्याएं इनकी हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कोई भी इनकी सुनने वाला नहीं है, केजरीवाल साहब आए थे कि ईमानदार सरकार है, मैं ऑटो वालों की पीठ पर चढ़ के यहाँ सरकार तो बना ली, लेकिन इनका भला करने के लिए उनको भी सांप सूंघ गया, आज तक वेलफेयर बोर्ड नहीं बनाया, ये मर जाएं अगर सड़क पे, मान लीजिए एक्सीडेंट में, इनको 2 रुपया नहीं मिलेंगे, और किसी भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सेना का हो, पुलिस का हो, सबको 1 करोड़ रुपया देने की ये तुरंत घोषणा कर देते हैं। ऑटो वाला पूरी ज़िंदगी सेवा करता है पब्लिक की, उसको 2 रुपया देने के लिए सरकार के पास कोई पैसा नहीं है, इनका वेलफेयर बोर्ड बनाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो साथियों, हम तो यही एक गुजारिश करेंगे कि मीडिया के माध्यम से इनको सब ये फैसिलिटी दी जाए जिसके ये हकदार हैं, इनका वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए, इनको इलाज के लिए ESI कार्ड दिया जाए, इनको ये तमाम सुविधाएं दी जाएं जो पब्लिक सेवा में आती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन ड्राइवरों का
हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल्ली में 40 साल से ऑटो चला रहा हूँ। समस्या ये है कि जब कांग्रेस का राज था तो अजय माकन ने भी हमारे को तंग करते थे, वो मीटर रोक रोक के चेक करते थे, 18,000 का मीटर, फिर 13,000 का मीटर, कभी 10,000 का मीटर, आज 6,000 का मीटर है। लेकिन जब हमने सोचा कि ये सरकार बदलनी चाहिए, हम आम आदमी पार्टी को ऑटो वालों ने वोट दिया, तो इसने हमारे को रामलीला मैदान में बुलाया, धन्यवाद करने के लिए इसने बराड़ी मैदान में बुलाया, लेकिन आज तक इसने किसी यूनियन वाले को अपने दफ्तर में नहीं बुलाया कि तुम्हारी समस्या क्या है। कभी तो ये वेल्डिंग करवाते हैं शीशे पे, लेकिन टूट जाए शीशा, ये कैसे लगेगा है जी? इसको हटवाने में भी फिर वेल्डिंग हटवाओ, फिर वेल्डिंग हटवाओ, पूरी स्क्रीन खराब होती है। अच्छा, कभी तो डिम्स का चक्कर है, कभी सिम का चक्कर है, और बगैर रिश्वत के तो वहाँ गाड़ी पास नहीं होती है जी। और ये केजरीवाल सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है, हमारे को सुनता ही नहीं है। ऑटो वाले इतने परेशान हैं, बगैर वर्दी का जुर्माना 10,000 रुपये, पोल्यूशन नहीं है तो 10,000 रुपये, हम कहाँ से देंगे 10,000 रुपये? हमारा जुर्माना 100 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए। मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है और मैं 35 साल से ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ। आज दिल्ली के अंदर लगभग 1,00,000 ऑटो रिक्शा हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा अगर ऑटो रिक्शा परिवार है, इससे बड़ा कोई परिवार नहीं है। लेकिन ऑटो रिक्शा परिवार को देखने के लिए आज कोई व्यक्ति नहीं है। शीला दीक्षित जी के टाइम पर भी हम बड़े परेशान थे, और उसके बाद हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया और धोखा दिया। धोखा देने के बाद आज ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। दिल्ली के अंदर जो पहले गाड़ियां रिप्लेसमेंट होती थी, माननीय मदन लाल खुराना जी के टाइम पर जो गाड़ियां रिप्लेसमेंट हुई थी और पुराने मीटर उन पर लगे थे, आज ज़बरदस्ती नए मीटर लगाए जा रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, ऑटो रिक्शा वालों को नजायज परेशान करा जा रहा है। 2930 नंबर फार्म, ये आज से नहीं, जब से मोटर व्हीकल एक्ट बना है, जब से वो ये लागू है, और इसके कारण से किसी को परेशान ना किया जाए। और वो ऑटो, उनके घर में कोई ऑटो चलाने वाला नहीं है, वो ऑटो किसी ड्राइवर को बेचते हैं, तो उसको परेशान किया जाता है, ये गलत है। और केजरीवाल जी को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, केजरीवाल जी आप लोग ऑटो रिक्शा के कंधे पे चढ़ करके दिल्ली के अंदर आए थे, आज ऑटो रिक्शा वाले को भूल चुके हैं। और ऑटो रिक्शा ड्राइवर आज दिल्ली में बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। हम ये चैलेंज देना चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो याद रख लीजिए, इसका परिणाम बहुत गंभीर तरीके से आपको भुगतना पड़ेगा। ऑटो रिक्शा ड्राइवर का परिवार 1,00,000 परिवार है। 1,00,000 परिवार में मतलब लगा लीजिए कि दिल्ली के अंदर 6,00,000 ऑटो रिक्शा के अपने वोट हैं, और अगर 6,00,000 ऑटो रिक्शा के अपने वोट हैं तो कम से कम एक एक वोट उसका जानने वाला भी है। 12 से 15 लाख वोटर आज ऑटो रिक्शा के समर्थन में। तो दोस्तों, ये थी ड्राइवरों की राय, और कुछ ऑटो यूनियन के संगठन आए हुए थे यहाँ पे, उनके प्रवक्ताओं की राय गाड़ी ट्रांसफर को लेके। दोस्तों, गाड़ी ट्रांसफर को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो जो यूनियन वाले हैं या फिर जो यहाँ पे ड्राइवर भाई मौजूद थे, उन्होंने अपने विचार रखे और उन्होंने कहा कि OTP वाला जो सिस्टम है, OTP वाले सिस्टम को बंद कर दिया जाए, 2930 फार्म को लागू कर दिया जाए, जिससे कि ड्राइवर भाइयों की गाड़ी ट्रांसफ़र करने में आसानी हो। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? क्या 2930 फार्म लागू रहना चाहिए या फिर इसे हटा देना चाहिए, या फिर OTP वाला सिस्टम सही है या गलत है? आप अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, आपके सुझाव से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।